फाइनली मतलब काफ़ी दिनों बाद देखो काफ़ी क्लास हुई हैं, 7 क्लास जाके पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो आप जितने भी चैप्टर आएंगे ना उसमें तीसरा चैप्टर थोड़ा सा और लेंथी है, उसमें भी 3-4 दिन लग जाएंगे, फिर बाकी सब एक दिन दो दिन में पूरे होते जाएंगे। छोटे चैप्टर हैं, अपन ने बेस बना लिया पूरा, तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। अध्याय प्रथम, शरीरों उपक्रमणीय शारीर महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इन क्वेश्चनों की खासियत क्या है, जो बच्चा जो स्टूडेंट पूरा नहीं पढ़ सकता, भाई अपन ने डिटेल में स्टडी की है, अब डिटेल में नहीं बता सकता, डिटेल में नहीं पढ़ सकता, तो अगर वो ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लें ना, ये क्वेश्चनों के आंसर भी कर लें नोट्स में देख देख के, और इन क्वेश्चनों को याद भी कर लें, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात मैं पहले बता दूँ। ऐसे बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दो कि क्या पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये भी पढ़ लोगे ना छोटा थोड़ा, तो भी आप पूरा कवर कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन है, शरीर शब्द की व्याख्या कीजिए। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, क्वेश्चन 10 नंबर में आता है, यही क्वेश्चन आया शरीर शब्द की व्याख्या कीजिए 2 नंबर में आ गया, तो आप आचार्य चरक के अनुसार लिख दो या सुश्रुत के अनुसार लिख दो, पर्यायवाची शब्द के अनुसार लिख दो, शब्द उत्पत्ति के अनुसार लिख दो, कुछ भी एक के अनुसार लिख दो, कोई भी एक। ठीक है, यही क्वेश्चन 5 नंबर में आए तो आपको थोड़ा सा चरक के अनुसार लिखना पड़ेगा, सुश्रुत के अनुसार लिखना पड़ेगा, और यही क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाए कि शरीर शब्द की व्याख्या कीजिए, तो आपको जितना भी मैंने लिखा है ना शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा है 100% पढ़ा है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है 2 नंबर का आता है, तो आपको एक छोटा सा लिख देना, 5 नंबर में आता है 2-3 लाइनें 2-3 आचार्य के अनुसार लिख देनी है, और पूरा आ जाए 10 नंबर में तो पूरा लिख देना है। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स में आता है। उसी तरीके शारीरिक शब्द की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर में आए तो एक आचार्य चरक की लिख दो या सुश्रुत की लिख दो या डायरेक्ट भी लिख दो, कोई स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 5 नंबर में आए तो वही विस्तार से लिखना है, 10 नंबर में आए तो पूरा लिख देना है। शारीरिक शब्द से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक शब्द से आप क्या समझते हैं, शारीरिक यानी आत्मा, आचार्य सुश्रुत ने बताया शारीरिक यानी आत्मा, आचार्य सुश्रुत अनुसार शरीर की परिभाषा लिख दो। अब मैंने यही क्वेश्चन घुमा के दे दिया कि भाई आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, शरीर शब्द की व्याख्या कीजिए और आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा कीजिए। अगर 2 नंबर में आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी ले सकते हो और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी ले सकते हो, अगर 2 नंबर में, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर का षडंगत्व कि भाई आचार्य सुश्रुत ने शरीर को 6 भागों में विभाजित किया, वो कौन कौन से हैं, तो वो लिखना है। एनाटॉमी की परिभाषा, जो मॉडर्न की परिभाषा थी ना एनाटॉमी की, वो परिभाषा, एनाटॉमी की परिभाषा के साथ साथ उसकी शाखाओं का वर्णन करो, मतलब ब्रांच, एनाटॉमी की डेफिनेशन एंड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी मैंने पूरा बताया हुआ है। आयुर्वेद मत अनुसार मृत शरीर का संशोधन बताइए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो मृत शरीर का डिसेक्शन करते हैं और संरक्षण करते हैं ना, वो कैसे करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मत अनुसार मृत शरीर का संशोधन बताइए, मतलब संरक्षण बताइए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कि भाई कौन कौन सा द्रव लेते हैं, फिर कैसे क्या करते हैं, कहाँ पे वो लगाते हैं, मतलब इंसेशन लगाते हैं, कहाँ पे चीरा लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर कोई व्यक्ति बोले ना कि कौन कौन से क्वेश्चन याद करे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्या है फर्स्ट चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन पढ़ लो तो काफ़ी है। आचार्य चरक व आचार्य सुश्रुत के अनुसार 2-2 शारीरिक शास्त्र के अध्यायों के नाम लिखो, अध्याय मतलब चैप्टर, अपन ने पढ़े थे ना आचार्य सुश्रुत के चैप्टर और आचार्य चरक के चैप्टर, वो जितने सारे बताए थे 8-10 उनमें से 2-2 पूछें, तो 2 आपको लिख देने। ग्रॉस एनाटॉमी की परिभाषा लिखी है, उसके प्रकार, तो ग्रॉस एनाटॉमी या कैडावरिक एनाटॉमी, ठीक है, उसकी परिभाषा एवं उसके टाइप्स लिखना है। अब देखो शारीरिक शास्त्र का एवं शारीरिक ज्ञान का प्रयोजन क्या है, कहने का मीनिंग ये है कि क्यों पढ़ रहे हैं अपन शारीरिक ज्ञान, मतलब जो शारीरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं एनाटॉमी क्यों पढ़ते हैं, इसका भी मैंने बताया हुआ है। धातु भेद से पुरुष का संगठन, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक धातु, द्वि धातु, त्रि धातु, चतुर्विंशति, षड धातु जितने भी थे ना डायरेक्ट लिख दो, पुरुष ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया था ना आपको डिटेल में वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक धातु द्वि धातु से लिख सकते हो, षड धातु पुरुष को समझाइए। अब इसी में से एक क्वेश्चन निकाल दिया मैंने धातु वेद से अंदर से षड धातु, कमेंट आया अभी से केसरी बोल रहा है कि सर आप मॉडर्न भी पढ़ा दीजिए, पहले आयुर्वेद तो पढ़ लें फिर मॉडर्न का बाद में देखते हैं। ठीक है, आप देखो इसी में से मैंने एक क्वेश्चन और निकाल दिया धातु वेद में से, त्रिदंडात्मक से आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब छोटा ये तो बड़ा क्वेश्चन आ गया भाई, धातु वेद से पुरुष का संगठन बताइए 10 नंबर में से आ गया, 5 नंबर में आ गया, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन में आ गए ना कि त्रिदंडात्मक से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको आना चाहिए कि सत्व आत्मा शरीर त्रिदंडात्मक, कि सत्व आत्मा शरीर को संयुक्त रूप से त्रिदंडात्मक पुरुष बोलते हैं। राशि पुरुष को समझाइए, चतुर्विंशतात्मक पुरुष 24 तत्वों से जो मिलकर बना है उसको राशि पुरुष बोलते हैं। महाभूतों के भौतिक गुण किसने बताए थे, आचार्य चरक ने, ये आपको लिखना है। त्रिदोष की 5 भौतिकता सिद्ध करो, त्रिदोष और 5 महाभूतों का जो संबंध था कि भाई कप की उत्पत्ति किससे हुई है, पित्त की उत्पत्ति किससे हुई है और वात की उत्पत्ति किससे हुई है। शरीर की त्रिगुणात्मकता सिद्ध करो,
ये भी इम्पोर्टेंट है। त्रिदोष एवं त्रिगुण में संबंध बताइए, मतलब त्रिदोष और त्रिगुण में भाई वात कौन से गुण से मिलकर बना है, पित्त कौन से गुण से मिलकर बना है, कफ कौन से गुण से मिलकर बना है। कर्म पुरुष किसे कहते हैं, जो आज की क्लास में किया अपन ने। आचार्य चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा, शरीर शारीर और शरीर में अंतर बताइए। देखो तीन वर्ड हैं, शरीर शारीर और शरीर, ये तीनों मैंने बताए हुए हैं आपको, बस एक एक परिभाषा लिख देनी है तीनों की। पहले शरीर की परिभाषा लिख दो, फिर शारीर की लिख दो, फिर शरीर की लिख दो, हो जाएगा अंतर। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मतलब ये 25 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए ना पहले चैप्टर के, शॉर्ट टर्म में भी कैसे भी याद कर लिए, तो आपको पहला चैप्टर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 25 क्वेश्चनों से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और साथ में सोल्व करना है क्वेश्चनों को, क्योंकि फिर बाद में एक साथ हो जाएंगे ना 13 चैप्टर के, एक साथ क्वेश्चन पढ़ोगे तो कम से कम 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर के 10-5 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे। लेकिन साथ साथ में आप पढ़ो, साथ साथ में कवर करो, तो आराम से इजीली कवर हो जाएंगे। तो पहला चैप्टर कंप्लीट, काफ़ी दिनों में कंप्लीट हुआ, और मैंने क्या छुट्टियां भी काफ़ी कर ली बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन मैंने जो बताया ना 30 सितंबर तक कोर्स पूरा होने की मैं करवा दूंगा आपका, ठीक है। मैं कोई जल्दीबाजी भी नहीं करूंगा, ऐसे नहीं कोई चीज़ छोड़ दूंगा मैं आपको, लेफ्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाऊंगा मैं पूरा 100%, लेकिन जो बच्चे बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट और शॉर्ट, उनके लिए क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन सोल्व करो आप, आपको आंसर मिल जाएंगे। हाँ भारती बोलो, क्या डाउट है? सर जैसे एग्जाम की डेट आने वाली है तो तब तक ये आयुर्वेदिक कंप्लीट हो जाएगा? हाँ एग्जाम डेट कब तक आने वाली है आपकी? सर हमारी शायद अभी पेपर यूनिवर्सिटी फॉर्म भरे जाएंगे इसी हफ्ते में शायद। हाँ तो तब तक मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो ना, कि क्योंकि आयुर्वेदिक का ही कोर्स अपना हो जाएगा, मतलब 25 तक मैं 26 तक कंप्लीट करवा दूंगा एनाटॉमी, ठीक है, ये आयुर्वेदा की, क्योंकि अब कल का वाला चैप्टर ना एक दिन में हो जाएगा, परिभाषा शरीर, फिर इस संडे तक मैं 3 चैप्टर करा दूंगा, मतलब 4 चैप्टर हो जाएंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद में सर मेरी भी एग्जाम होने वाली है 15 से। ओके अभिषेक, ये जल्दी करवा देंगे, ठीक है, अब मैं कोई छुट्टी नहीं करेंगे अपन, है ना, अब कोई छुट्टी नहीं होगी एनाटॉमी। ओके, वो क्या बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी इसलिए छुट्टी करनी पड़ी, अब कोई छुट्टी नहीं करेंगे। ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब सेकंड चैप्टर कल कंप्लीट करा देंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं, दी एंड। थैंक यू, थैंक यू बॉस।